अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो आईसीटी हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, और ये सिर्फ हमारे लाइफ के लिए ही नहीं, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए अपने आप में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आईसीटी को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आईसीटी है क्या, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, एक किस तरह से एजुकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है, तमाम क्वेश्चन है जिसका आंसर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और टॉपिक्स टू बी कवर्ड कि आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, वॉट इज आईसीटी, आईसीटी मीन्स कि इसके साधन कौन से हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी, आईसीटी के महत्व, आईसीटी एंड एजुकेशन, कि एजुकेशन में आईसीटी का क्या रोल है, आईसीटी ड्रॉबैक, कि आईसीटी की क्या खामियां है। तो एक कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, और आप वीडियो को आखिरी तक देखें, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो सबसे पहले अगर हम आईसीटी के फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये आईसीटी की फुल फॉर्म है। अब हम जानने की कोशिश करें व्हाट इज आईसीटी, आईसीटी है क्या। तो सबसे पहले आईसीटी के बारे में जानने से पहले हमें समझना होगा कि आईटी क्या है, ठीक है, और किस तरह से हम इसको आईसीटी कहा जाने लगा। तो सबसे पहले हम आईटी के बारे में जानते हैं जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी, ठीक है। तो आईसीटी के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले आईटी के बारे में जानते हैं। तो आईटी इज कंसर्न विद, तो आईटी का कंसर्न किससे है, संबंध किससे है, रिसीविंग, स्टोरिंग, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर दिस टास्क। कि आईटी का संबंध किससे है, कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करना, उसको स्टोर करना और दूसरों तक पहुंचाना, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। और इसमें इस प्रोसेस में किस चीज की हेल्प मिल रही है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। तो इसमें किसका रोल अहम हो जाता है आईटी में, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का रोल अहम हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं आईटी को, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो जो पहले वर्ड जो यूज होता था इसको हम आईटी कहते थे, ठीक है, और इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प ली जाती थी, तो इसलिए इसको हम कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, या हम इसको और किस नाम से जानते थे, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली, ठीक है। अब आगे चलकर क्या चेंजेस आए इसमें, कि नाउ इन द प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज ऑल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, आगे चलकर जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, की यूज ऑफ टेलीफोन, मोबाइल, टैब, डिजिटल टीवी, रेडियो और इस तरह के तमाम जो गैजेट्स आज के टाइम में आ रहे हैं। तो नाउ इन द प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये भी इसका एक पार्ट बन गए। तो पहले जहां पे हम बात करें, इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जा रहा था, स्टोर किया जा रहा था और उसको दूसरों तक एक्सचेंज किया जा रहा था, अब इसमें तमाम तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इसका पार्ट बन गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इसका एक पार्ट बन गया, तो इसका एक ब्रॉड टर्म जो है उसको हम क्या कहने लगे, आईसीटी। तो अब आईटी जो है इसमें, जब कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इसमें जुड़ गया, तो इसको क्या कहा जाने लगा, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो आप समझ गए होंगे कि जो पुराना वर्ड जो था आईटी था, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इसमें जुड़ गया, और इसमें जब टेलीफोन, मोबाइल, टैब, रेडियो, डिजिटल टीवी, इस तरह की जो तमाम चीजें जब इसमें जुड़ गई, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इसमें जुड़ गया, तो अब क्या नाम हो गया, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आईसीटी इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, क्रिएटिंग,
स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कि जो भी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक जो मीन्स बताया कि टेलीफोन, मोबाइल, टैब, रेडियो, डिजिटल टीवी, कंप्यूटर, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है जिसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है उसको क्रिएट किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है, ठीक है। आगे, इट मेक्स मैसेजिंग मोर कन्वीनियंट, इजियर टू यूज एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, कि जो संदेश को बहुत ज्यादा सुविधाजनक बनाता है, इसका उपयोग भी आसानी से कर सकते हैं और अच्छा आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। आज अगर आप गूगल ट्रांसलेट पर अगर हम किसी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। किसी दुनिया में एक कोने में रहते हैं आप, मान लो अमेरिका में कहीं तूफान आया, ठीक है, वहां पे कुछ इस तरह की घटना घटी, इंडिया में रहने वाले लोग उसको कुछ ही सेकेंड में, कुछ ही मिनटों में यहाँ तक लोगों को चीजें पता चल जाती है। अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंडिया में रहने वाले लोग भी, यहाँ पे यहाँ के स्टूडेंट भी उसको इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो मीन्स है इसके थ्रू उसको आराम से उस चीज को घर बैठे बैठे देख सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, ठीक है, आर यूज फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि इसमें किन चीजों का यूज हो रहा है, इंटरनेट, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, ओके। आगे चलते हैं, मीन्स ऑफ आईसीटी, अब आईसीटी के साधन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो इसके साधन कौन से हैं, कंप्यूटर, टेलीफोन, स्मार्टफोन, डिजिटल टीवी, टैबलेट, रेडियो, ये सारी जो चीजें हैं ये आईसीटी के संसाधन हैं, साधन है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, कि आईसीटी का क्या महत्व। आईसीटी हैज कनेक्टेड द होल वर्ल्ड, कि इसने पूरी दुनिया को जोड़ा है। एक समय ऐसा था कि जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हमें चिट्ठी भेजनी पड़ती थी, हमें जो टेलीफोन, जो लैंडलाइन फोन था वो था, लेकिन आज के टाइम में देखो तो कोविड के बाद देखो तो जूम मीटिंग, दुनिया भर किस तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आ गए हैं, अब अपने मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू दुनिया में कहीं पे भी किसी भी एक जगह बैठकर बाकी दुनिया के साथ आप जुड़ सकते हो। अमेरिका में कोई यूनिवर्सिटी कोई कोर्स करा रही है ऑनलाइन, एक भारत में, दिल्ली में रहने वाले लोग, यूपी में रहने वाले लोग, साउथ इंडिया में रहने वाले लोग उस कोर्स को आराम से उसको कर सकते हैं अपने घर में बैठे हुए, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड है अगर कैलिफोर्निया में चला गया है, कोई ब्रिटेन में रहता है, आप उससे इजिली आप वीडियो कॉल से आप इस तरह से बात कर सकते हो जैसे वो आपके सामने है। तो आईसीटी हैज कनेक्टेड द होल वर्ल्ड, इसने पूरी दुनिया को जोड़ा है। इंफॉर्मेशन इज बींग एक्सचेंज ऑन अ वाइड स्केल अराउंड द वर्ल्ड थ्रू आईसीटी, कि आईसीटी ने के द्वारा विश्व भर में सूचना का व्यापक स्तर पर आदान प्रदान हो रहा है। भारत में क्या हो रहा है अमेरिका के लोगों को आसानी से पता चल जाता है, अमेरिका में क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है हमें आराम से पता चल जाता है। इंडिया का जो ये वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, दुबई में हो रहा है, हम घर बैठे बैठे उसका आनंद ले सकते, ठीक है। तो दुनिया में कहीं पे भी कुछ हो रहा है आईसीटी के थ्रू हमें उसको आसानी से उसका पता चल रहा है। आईसीटी हैज वर्क टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आईसीटी ने सूचनाओं के आदान प्रदान को सुलभ बनाने का काम किया है। आईसीटी हैज मेड इट्स प्लेस इन एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि इसने सोसाइटी के हर हिस्से में अपनी जगह बना दी है। आज हम देखें इसने हमारी लाइफ को इस तरह से आसान बनाया है कि एक समय बैंकों में हमें लंबी लाइन, बैंक में लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, आज घर बैठे बैठे हम बैंकिंग कर लेते हैं अपने मोबाइल से। आपको शॉपिंग करना है आप आराम से घर बैठे, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, दुनिया भर की इस तरह की शॉपिंग वेबसाइट है, आप उसको इस्तेमाल करें, घर बैठे बैठे आपके जो मतलब जो सामान है आपके घर में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पैसे का ट्रांजेक्शन है, आपको जेब में पैसे रखने की कोई जरूरत नहीं है, ना चोरी होने का डर है, आप मोबाइल है आराम से जाइए किसी भी दुकान पे, आप पेटीएम कर दो, आप गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो। तो इस तरह से आईसीटी ने समाज के हर हिस्से में अपनी जगह बना दी है, ठीक है। और नाउ आईसीटी हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ, चाहे हेल्थ की बात करें, अगर हम रिलीजन की बात करें, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, हर जगह, एजुकेशन, हर जगह आईसीटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। नाउ एवरीवन इज यूजिंग आईसीटी इन सम फॉर्म, चाहे कोई टीवी के रूप में, चाहे मोबाइल के रूप में, चाहे कोई कंप्यूटर, चाहे टैब, चाहे रेडियो, हर कोई किसी ना किसी फॉर्म में आज आईसीटी का यूज कर रहा है।
आईसीटी हैज मेड आवर डेली लाइफ एक्सेसिबल, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे शॉपिंग है, चाहे पेमेंट है, चाहे बैंकिंग है, आईसीटी ने हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया। चाहे हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है, चाहे हमें क्लास देनी है, तो आईसीटी ने हमारी डेली लाइफ को बहुत ज्यादा सुलभ एक्सेसिबल बना दिया। इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसने हमारी जीवन की गुणवत्ता में ही, मतलब हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, हमारी लाइफ को बिल्कुल क्वालिटी वाली लाइफ बना दिया। ठीक है, अब इतना दौड़ धूप धक्के ये सब जरूरत नहीं है। मोबाइल है हमारे पास, कंप्यूटर है, हम बिल्कुल इसमें बैठे हुए हम पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो मतलब हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया है। आईसीटी रिड्यूसेस हज़ार्ड, कि आईसीटी खतरों को कम करता है। कैसे, मान लो कहीं तूफान आने वाला है, कहीं सुनामी आने वाली है, कहीं बारिश होने वाली है, तो ये सारी चीजें हमें पहले से ही पता चल जाती है। ठीक है, किसके थ्रू? आईसीटी के थ्रू, सैटेलाइट है उनके थ्रू, हमें ये चीजें हमें पहले ही पता चल जाती है। तो इससे क्या है कि हम जो भी आने वाला खतरा है उससे हम निपटने के पहले ही हम उपाय करने लगते हैं। तो इट रिड्यूसेस हज़ार्ड, कि ये खतरों को कम करता है। आईसीटी जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आईसीटी रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। आजकल अगर हम देखें तो जिस तरह से आईसीटी का जो टाइम है, तो इसी तरीके से हम कोई भी फील्ड देखें, चाहे एजुकेशन में देखें आईसीटी है, वो टीचर जो इस तरह के गैजेट्स का, कंप्यूटर का, इन चीजों का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आजकल देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, बीटेक है, बीसीए है, तो इस तरह के, चाहे इस तरह के कोर्स हो, हर फील्ड में आईसीटी की जरूरत है। तो इसने जो है, आईसीटी जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि इसने रोजगार के अवसर को बढ़ा दिया है, क्योंकि हर फील्ड में इसका यूज हो रहा है। आईसीटी इज बींग यूज एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आईसीटी का काफी यूज हो रहा है। अब अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, आप चाहे हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका चेकअप होता है, आप चाहे एक्सरे हो रहा है, स्कैन हो रहा है, इस दुनिया भर की चीजें ये भी तो इसी के थ्रू हो रही है। आईसीटी की जो साधन है उसके थ्रू हो रही है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर एरिया में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल थ्रू आईसीटी, की आईसीटी के थ्रू आप जो इंफॉर्मेशन है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, रीजनल लेवल, हर लेवल पे बहुत ही, मतलब व्यापक स्तर पर जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज हो रही है। और इससे दुनिया में जो अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, चाहे एजुकेशन के एरिया में, चाहे हेल्थ के सेक्टर में, कोई भी नया इन्वेंशन कर रहे हैं, तो दुनिया भर में लोगों को वो चीजें पता चल रही है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि कोविड टाइम में जो अलग अलग जो कंट्री हैं, उन्होंने इसकी जो मेडिसिन बनाई, जो अलग अलग प्रिकॉशंस बताए थे, तो ये जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो इसके मीन्स है, इसके थ्रू नई नई जो रिसर्च हो रही थी, नई नई जो बातें हो रही थी, पूरे दुनिया भर में लोगों को आराम से कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में पता चल जाती थी। आईसीटी इज द मेनस्टे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, कि आईसीटी किसी भी देश के विकास का मुख्य आधार। अब हम आईसीटी की बात करते हैं एजुकेशन। ठीक है, कि आईसीटी किस तरह से एजुकेशन में हेल्प करता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी इज द लास्ट फ्यू इयर्स हैज कम्प्लीटली चेंज आवर लाइफ्स, कि आईसीटी की जो डेवलपमेंट हुआ है, इसने हमारी लाइफ को पिछले कुछ सालों में पूरी तरीके से बदल दिया है। ठीक है, और इसने जो टीचिंग लर्निंग का जो एक, हम कहते हैं, जो प्रोसेस चला रहा था, एक तरीका था, उसको भी पूरी तरीके से बदल के रख दिया आईसीटी ने, और टीचिंग लर्निंग को और ज्यादा इफेक्टिव बना दिया है। टुडे देयर इज अ वेल्थ ऑफ एजुकेशनल मटेरियल एंड नॉलेज रिलेटेड टू वेरियस सब्जेक्ट ऑन द इंटरनेट, कि आज अगर हम देखते हैं इंटरनेट पर, तो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, हमें इंटरनेट पर आराम से मिल जाती है। हमें कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ता, हमें सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, हमें इंटरनेट पर, गूगल पे मिल जाती है। ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग हैज बिकम इजियर विद द यूज ऑफ वीडियो, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, ई बुक, सॉफ्टवेयर। तो आईसीटी के यूज ने क्या किया है कि एजुकेशन को और ज्यादा इजियर बना दिया है, और आईसीटी के जो सोर्सेस हैं, संसाधन है, वीडियो है, मल्टीमीडिया है, कंप्यूटर है, ई बुक है, सॉफ्टवेयर है। आजकल के टाइम में देखो तो बैजू, अनअकैडमी, किस तरह से तमाम जो मतलब एजुकेशन जो प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब इन चीजों ने हमारी जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो कॉन्सेप्ट है, वो उसको इजी फॉर्म में आईसीटी के थ्रू ही हम तक पहुंचा रहे हैं। तो लर्निंग, टीचिंग लर्निंग और ज्यादा इजी हो गई।
विद द हेल्प ऑफ आईसीटी इट हैज बिकम इजी टू अंडरस्टैंड द टफेस्ट सब्जेक्ट, कि आईसीटी की मदद से कठिन विषयों को समझना और आसान हो रखा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, चाहे मैथ्स के फॉर्मूला हो गए, उसको नए नए तरीके से बच्चों को बताया जा रहा है अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसके अलावा अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर उसको हमें बर्ड के बारे में बताना है, या बटरफ्लाई है उसका जो लाइफ सर्कल है, या अगर हमें बच्चों को बताना है कि किस तरह से जो रेन का जो साइकिल होता है, तो अब उसके लिए क्या है, आईसीटी के थ्रू तमाम सॉफ्टवेयर हैं, तमाम इस तरह के चीजें हैं, हम उसको एनिमेशन के थ्रू भी आप आराम से चीजों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरह के कठिन से कठिन चीजें भी आईसीटी के थ्रू आसानी से बच्चों को समझाई जा सकती है। ठीक है, अब देखिए, अब आईसीटी का क्या और यूज हुआ है आज के टाइम में, तो हम देखते हैं कि हम घर बैठे बैठे, ठीक है, घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन हम एग्जाम दे सकते हैं, और ऑनलाइन डिग्री हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी जगह कोई सेमिनार हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, वर्कशॉप हो रहा है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नॉलेज को हम और ज्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अब इट इज थ्रू आईसीटी दैट द लाइब्रेरीज ऑफ वेरियस स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज हैव बिकम ऑनलाइन एंड द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी एंड ई बुक हैज टेकन अ रियल फॉर्म। कि अब देखते हैं, किसी भी स्कूल की देखें, कॉलेज की देखें, यूनिवर्सिटी की देखें, सारी की सारी जो लाइब्रेरी है ऑनलाइन हो गई है, तो आप घर बैठे बैठे मोबाइल के थ्रू आप उसको इजिली एक्सेस कर सकते हो, और आपके एक ही मोबाइल में लाखों जो बुक्स हैं आपको इजिली अवेलेबल होंगी, और आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपको अलग अलग जगह जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ई लर्निंग, ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग एक्सेप्ट आर इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन हैज बिकम पॉसिबल थ्रू आईसीटी, की आईसीटी के थ्रू ही तो डिस्टेंस एजुकेशन पॉसिबल हो पाई है। इन दिस स्टूडेंट आर टेकिंग वर्चुअल क्लासेस विदाउट गोइंग टू द यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ठीक है, कि आईसीटी के थ्रू ये दूरस्थ शिक्षा, जो डिस्टेंस एजुकेशन पॉसिबल हो पाई है, और अब जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट है, वो बिना कॉलेज यूनिवर्सिटी जाए अपना घर बैठे ही क्लास ले सकते हैं। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी, वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैव स्टार्टेड इंटरनेट बेस्ड ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोग्राम। आज के टाइम में देखें तो चाहे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अलग 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 तरह के जो ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसको आज हम इजिली घर बैठे बैठे इन जो प्रोग्राम से इसमें हम एडमिशन ले सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आप एनसीईआरटी की बात करो तो जो स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, उस पर तमाम तरह के हर फील्ड से रिलेटेड जो कोर्स हैं, 3 मंथ के हैं, 6 मंथ के हैं, 1 ईयर के, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो और घर बैठे बैठे चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, और अगर आज की हम बात करें, टुडे एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू मेनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लाइक टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल। ठीक है, एज ए रिजल्ट द इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स एजुकेशन हैज इंक्रीज। कि आज के टाइम में एजुकेशन में, चाहे टीवी है, मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो, इन सबके थ्रू बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, जिससे बच्चों का एजुकेशन में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ा है। ड्यू टू आई सी टी टूडेज द वर्क एंड एरिया ऑफ रिसर्च हैज इंक्रीज्ड एंड रिसर्च इज बींग डन इन न्यू एरियाज। कि आई सी टी के कारण आज हम रिसर्च का जो एरिया है वो और ज्यादा बढ़ा है, और नए नए जो रिसर्च होने लगे हैं, और इनमें भी काफी हेल्प मिली है, और जो भी नए नए रिसर्च होते हैं वो उसको कम से कम समय में पूरे वर्ल्ड वाइड लोग उसके बारे में जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। नाउ वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर बींग कंडक्टेड ऑनलाइन, चाहे सी टेट है, चाहे नेट है, इस तरह के तमाम जो एग्जाम है आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं आई सी टी की हेल्प के थ्रू। विद द हेल्प ऑफ आई सी टी एजुकेशन हैज नाउ बिकम इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड ईजी। की आई सी टी की सहायता से अब शिक्षा प्रभावशाली, रोचक और सरल बन गई है। आई सी टी हैज एक्सिलरेट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। की आई सी टी ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण बहुत ही तीव्रता से किया है, कि एजुकेशन के थ्रू ही जो एजुकेशन जो है सब तक पहुंचने लगा है।
ठीक है, दूर दराज के एरिया में भी कोई बच्चा है तो मोबाइल के थ्रू, रेडियो के थ्रू चीजों को जान सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं आईसीटी के ड्रॉबैक्स की, ठीक है। अब ड्रॉबैक्स में क्या क्या है, इसकी कमियां क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है आईसीटी मटेरियल्स आर एक्सपेंसिव, चाहे मोबाइल है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, डिजिटल टीवी, सारी चीज जो आईसीटी का जो मटेरियल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, हर किसी के बजट में नहीं है, ठीक है। तो ये सामग्री बहुत महंगी होती है, इट इज यूज बाय मेनी पीपल टू फुलफिल देयर रॉन्ग इंटेंशन। कई बार ये जो चीजें हैं अच्छी तो बहुत है, लेकिन कई बार इन्हीं साधनों के द्वारा लोग जो है, हैकर्स जो है, गलत काम के लिए इनका प्रयोग करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस साइबर क्राइम इज इंक्रीज, इसी के कारण जो साइबर क्राइम है बढ़ रहा है आज के टाइम। नॉट एवरी वन हैज टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, कि तकनीकी समझ हर किसी के पास नहीं होती, तो इसलिए हर कोई इसको एक्सेस भी नहीं कर पाता, तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, और आज के इस वीडियो में जैसे हमने बात की आईसीटी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस की बात की, एजुकेशन में किस तरह से हेल्पफुल है, इसकी क्या कमियां हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में हमने बात की। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।